सामान्य लोकांच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांवर माझा दबाव म्हणून अधिकाऱ्यांमध्ये आणि माझ्यामध्ये समन्वय राखण्याचं काम हे माझे पीए करत आहेत, असं वक्तव्य आमदार रोहित पवार यांनी केलंय. अयोध्येसोबतच वाराणसी, अजमेर, सारनाथला देखील गेलो होतो. तिथे जाऊन गंगाची पूजा केली. मी तिथे माझ्या कुटुंबासोबत गेलो होतो. भारतातील सर्वच जण आपल्या कुटुंबासोबत यात्रेला जातात, तसाच मी सुद्धा जाऊन आलो. देशात आणि महाराष्ट्रात शांतता निर्माण व्हावी अशी मी प्रार्थना केली. माझा तिथे असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव नक्की आहे. माझा सर्व अधिकाऱ्यांवरती दबाव नक्कीच आहे. दबाव याच्यासाठी आहे की सामान्य लोकांची कामं करत असताना ते काम मनापासून करावं लागेल. लोकांच्या हितासाठी जर खोलात जाऊन लोकांमध्ये जाऊन मी काम करतो तर ते अधिकाऱ्यांनी पण केलं पाहिजे. म्हणून अधिकाऱ्यांमध्ये आणि माझ्यामध्ये समन्वय राखण्याचं काम माझे पीए करतात. भारतातील कोणतीही व्यक्ती ज्या प्रकारे आपल्या कुटुंबासोबत बाहेर मंदिरात जातो त्याच प्रकारे मी अयोध्येला गेलो होतो. नहीं, एक तो अयोध्या के साथ मैं अजमेर भी गया था, सारनाथ भी गया था, वाराणसी भी गया था. वहाँ पे भी पूजा की, गंगा की पूजा की, सरयू की पूजा की. मैं वहाँ पे फैमिली के साथ गया था. जैसे इस भारत में कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली के साथ मंदिर में जाता है, प्रेरणा ठिकान पे जाके वहाँ पे दर्शन लेता है, वैसे मैं वहाँ पे गया था. बहुत अच्छी विजिट थी वहाँ पे जाके. सब ठिकानों में जाके मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली. भगवान के सामने नतमस्तक हुआ और देश और राज्य में शांतता आए, ऐसे में प्रार्थना भगवान से की. मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था. और मैं अगर आपको भी पूछूँ, आप मंदिरों में जाते वक्त कैसे जाते हो, तो आप कहोगे फैमिली के साथ जाते हो. जैसे आप जाते हो वैसे भी मैं फैमिली के साथ वहाँ पे गया था. मैं तो कार्यकर्ता हूँ, नेते वहाँ पे जाते हैं. जैसे आदित्य ठाकरे भाऊ के बारे में बात की तो वो 3-4 बार वहाँ पे जाके आए. बाकी जो लोग अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं वो कितनी बार अयोध्या इसके पहले गए हैं वो मुझे मालूम नहीं. अब बम्बई का इलेक्शन सामने आया इसलिए शायद उस हेतु से, राज के हेतु से अगर वहाँ पे जा रहे तो वो गलत चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत हेतु से कोई जा रहा है तो अच्छी चीज़ है.